हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं अखिलेश, mentorsada.com में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो हमने देखा था, डिव का इस्तेमाल करके और साथ में डिव के साथ साथ हमने टेबल का उसका यूज किया था, मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल, और उसको थ्रू हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। सबसे पहले अपना हम वो पेज खोलते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। तो आप देखें, ये हमारा वो पेज है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने। साथ में इस पेज को हम ओपन करते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में, जिसका नाम है ब्रैकेट्स। जिनको आइडिया नहीं होगा, जो लोग ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाके, फेसबुक के पेज पे जाके या हमारे वेबसाइट पे जाके जो mentorsada.com है, वहाँ से हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि लाइक ये लोगो है, लोगो को बगल में इसका ये हेडिंग आना चाहिए, या ये हमारा एक टेक्स्ट एरिया है बॉडी का, यहाँ पर जो न्यूज़ का सेक्शन है वो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर को। हमने एक डिव वन नाम से स्ट्रक्चर लिया, जिसकी ओपनिंग देखिए यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। ये मेन डिव है। यदि इस डिव वन का हम सीसेस देखें, जिसकी विड्थ हमने दिया था 960 पिक्सल, ठीक है। इस डिव वन के अंदर में हमने एक सेकेंड डिव लिया डिव टू नाम से, जिसमें हमने एक अपना लोगो या एक इमेज लगाया है। साथ में इसी के अंदर में हमने एक इस्तेमाल किया था H1 नाम से अपनी हेडिंग, ठीक है। एक तीसरा हमने डिव लिया था, इसका नाम था बैनर। इसके अंदर हमने एक फोटो लगाया था बैनर नाम से, जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। फोर्थ हमने डिव फोर नाम से एक हमने एक डिव लिया था, इसके अंदर ये टेक्स्ट थे। और फाइनली हमने एक लास्ट डिव और लिया था न्यूज नाम से, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं तो हमेशा मेन यानी पेरेंट डिव में एडजस्ट करते हैं। तो आप देखें डिव वन की विड्थ कितनी, 960 पिक्सल। तो सबसे पहले हम सीसेस सेट करते हैं किसका, डिव फोर का। आप देखें, मैं एक डिव टू को ही कॉपी करके, या चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या, हैश डिव फोर, ठीक है। इसका हमने इसकी वैल्यू लेना शुरू किया। वैल्यू हमने क्या दिया कि सबसे पहले इसका विड्थ एक दिया। अब सवाल है कि इसका हम विड्थ देख कितना, क्योंकि मेन का जो हमारी विड्थ है, सॉरी डिव वन का, उसकी है 960 पिक्सल। तो अब इसलिए हमें जब भी देना होगा उससे कम, जबकि न्यूज सेक्शन में ऑलरेडी हमने दे रखा है 350। तो 350 को जब हम 960 में से माइनस करेंगे तो 610 आपकी वैल्यू आएगी। तो हमें जब भी देना तो 610 या इससे कम ही देना है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा हम देंगे तो ओवरलैप करेगा। तो हम यहाँ बता दें, चलिए 600 पिक्सल कि 600 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए। आइए हम एक बार इफेक्ट देते हैं कैसा आता है। हमने विड्थ दिया डिव फोर को, वेबसाइट ओपन की, रिफ्रेश मारा, कोई इफेक्ट नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखिए इसलिए हुआ कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक आईडी और एक क्लास, दो नाम होता है। आप देखें, सबको हमने दिया था आईडी, लेकिन आप देखिए डिव फोर को हमने दिया था क्लास, और यहाँ पर हमने वैल्यू क्या दिया है, हैश यदि हमने दिया तो एचटीएमएल क्या या ब्राउजर ये सोच कर चलेगा कि ये कोई आईडी है। तो डिव फोर नाम से कोई आईडी है जिसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो डिव फोर नाम से कोई आईडी इस पेज में नहीं है, बल्कि हमने क्लास दिया था, और क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो हैश जब मैंने डॉट लगाया, कंट्रोल एस से सेव किया, हम आते हैं अपने पेज पे, सॉरी हमने पेज पे आते हैं और इस पेज को हम ओपन करते हैं, राइट। कंट्रोल आर से मैंने रिफ्रेश किया। अभी देखिए जो पूरा फुल विड्थ में थी, ऑटोमेटिक इतनी दूर में एडजस्ट हो गया ये सारे डेटा, ये टेक्स्ट जो तुम्हारा बॉडी एरिया नहीं पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि हमने इसकी जो विड्थ थी वो हमने क्लियर कर दी। एक थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यदि हम इसको बॉर्डर दे दें, इस विड्थ को हम एक बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, एक सॉलिड हम बॉर्डर देते हैं। बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता तो हमें देने की जरूरत नहीं है कलर। हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। आप देखिए अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि 600 पिक्सल देते ही जो ये डिव हमारा पूरा यहाँ तक चल रहा था, 960 पिक्सल ऑटोमेटिक बॉडी को ले रहा था, वो 900 यहीं पर सिमट गया, ठीक है। लेकिन अब हमें इसके बगल में जो जो खाली स्पेस है, हमें यहाँ सेट करना अपना ये न्यूज़ का सेक्शन। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, PFLOAT फ्लोट। फ्लोट हमने कहा लेफ्ट, हमने कहा कि जो ये जो बॉक्स हमारा डिव फोर है, ये लेफ्ट साइड में ये फ्लोटेड हो जाए, ठीक है। साथ में जब ये लेफ्ट में आएगा तो हमें साथ में न्यूज़ को भी लेफ्ट में आना है। तो हम न्यूज़ को भी, जो हमारा न्यूज़ सेक्शन है, इसमें भी हमें बढ़ा देंगे फ्लोट लेफ्ट। क्यों? क्योंकि हमें दोनों को लेफ्ट लेके आना है, तभी दूसरे के साथ होंगे, नहीं तो अभी हम नीचे रहेंगे। एक तो हम फ्लोट कर लेफ्ट कर देंगे, दूसरे को नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं आएगा। हमने कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया। अब देखिए क्या हुआ कि ये बॉक्स यहाँ पर आ गया, उसके जस्ट बगल में न्यूज का सेक्शन आ गया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो ब्लू, ये जो ऑरेंज बैकग्राउंड था वो गायब हो गई, जो कि मेन डिव का बैकग्राउंड था। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली जब भी हम कोई फ्लोट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, तो वो जब तक हम उसको क्लियर यानी उसको हम ख़त्म नहीं करते कमांड के थ्रू, तब तक वो प्रॉपर्टी अप्लाई रहती है।
तो चूंकि उस चूंकि हमने ये न्यूज़ सेक्शन में आखिरी में न्यूज़ में दिया था फ्लोट लेफ्ट राइट, लेकिन इसको हमने क्लियर नहीं किया, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। हम इसको यहाँ करते हैं क्लियर। क्लियर करने के कई तरीके हैं, सबसे बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारा टैग होता है BR फॉर ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने में हम यूज करते हैं, क्योंकि एस्टिमेल में आप एंटर मार के, मैं एक्चुअली अच्छा एग्जाम्पल अच्छा याद आ गया, जैसे ये एस्टिमेल है, ये पेज है, मैंने इसको यहाँ पे एंटर मार के मैं 5 पेज मार दिया, 5 बार एंटर मारने के बाद कंट्रोल F से सेव किया, और जो हम वेबसाइट पर देखते हैं क्या होता है, वेबसाइट में देखिए कोई अंतर नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि एंटर नहीं समझता, स्पेस नहीं। यदि जब भी हमें किसी लाइन में स्पेस देनी होती है तो हमें यही टैग लिखना होता है BR टैग, और BR को स्पेस फॉरवर्ड स्लैश के बाद में BR लिख सकते हैं, इसी कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती। तो हमें यदि हमने एक बार BR लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया, तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ से एंटर यानी कि लाइन चेंज हो चुकी है। इस तरह से हमें जितने भी लाइन हमें चेंज करने होंगे, हमें उतनी BR, हमने 2, 3, 4, 5 BR दिया, यानी 5 बार हमने एंटर मारा और लाइन चेंज की। कंट्रोल R से हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए इस लाइन के बीच में इतना अंतर हो गया। इसलिए BR टैग, ध्यान दीजिए, BR टैग बहुत ही यूजफुल टैग होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्लियर नहीं किया था वहाँ पे फ्लोट को, इसलिए हम चलिए यहाँ क्लियर करते हैं। जहाँ पे हमारा न्यूज़ सेक्शन खत्म हुआ, DVA हमारा खत्म हुआ, यहाँ पे हम लगाते हैं क्लोजिंग। कैसे? हमने यहाँ पे स्टार्ट किया BR, ठीक है। BR के पास स्पेस CLEAR क्लियर इक्वल टू डबल कोट के अंदर में आल। मैंने आल क्यों दिया? क्योंकि फ्लोट लेफ्ट के साथ में फ्लोट राइट भी होता है, तो हम पर्टिकुलर फ्लोट क्लियर फ्लोट लेफ्ट करें या क्लियर राइट करें, थोड़े हम क्लियर आल कर देते हैं कि जितनी भी प्रकार का फ्लोट लगी हो यहाँ तक वो सब क्लियर कर दो। जो ही हम इसको सेव करते हैं, अब हम आके जरा अपने विंडो में देखते हैं रिफ्रेश। अब देखिए ऑरेंज बैकग्राउंड जो गायब हो गया तो वो ऑटोमेटिक आ गया। तो अब ध्यान दीजिए, जब भी आप कहीं भी फ्लोटिंग अप्लाई करेंगे तो फ्लोटिंग के बाद में आपको क्लियर जरूर करना उसको, नहीं तो आपकी जो अदर पैरामीटर से अदर डिव को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। अब हम दोबारा हम क्या करेंगे, इस तरह से लोगों को भी हम लाएंगे इसके पास में, ठीक है। लेकिन उनके लाने से पहले हम एक काम और करते हैं कि ये जो बॉर्डर हम थोड़ा ख़त्म करते हैं दोनों का। तो न्यूज़ सेक्शन में हम गए, न्यूज़ सेक्शन का हमने बॉर्डर को ये ब्लैक ख़त्म किया, उसके बाद हम गए D4 में, D4 के बॉर्डर को भी हमने ख़त्म किया। ख़त्म क्यों किया? क्योंकि वेबसाइट्स पे दिखाई तो नहीं देती, लेकिन असल में डिव की एक साइज हमेशा होती है। आप ये देखिए, देखा जाए तो यहाँ पे एक सेक्शन बन गया। एक और मजे की बात बताता हूँ, जैसे ये जो लेफ्ट जो हमने ये जो न्यूज़ वाला सेक्शन दिया था, हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगाते हैं कि एक बॉर्डर दो, लेकिन बॉर्डर लेफ्ट में सिर्फ हमें चाहिए। तो हम लिखने यहाँ पे लिखा बॉर्डर डैश LEFT लेफ्ट। हमने कहा कि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, कंट्रोल एस ने सेव किया। आप ये देखिए क्या होता है कि इस न्यूज एरिया के बीच में और इस के बीच में कि ये सेक्शन आ गया इसके नाम से। ध्यान दीजिए ये सटा भी हुआ है, कोई नहीं, आप इसे मार्जिन लगा के दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक ये हमारा लोगो था, लोगो के बगल में ये चाहिए। हम सेम यही प्रोसेस हम अगेन इसको हम रिपीट करते हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ पे CSS स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे, इधर हम CSS कोडिंग करेंगे इनलाइन, ठीक है, जिससे आपको इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हमने लोगो पे आते हैं, लोगो में हम जाते हैं इमेज जो ओपनिंग टैग है उसी के अंदर हम हमेशा CSS लिखेंगे। ध्यान दीजिए हम CSS कहीं भी लिख सकते हैं, लाइक इमेज के बाद तुरंत लिख सकते हैं, या जहाँ पे ये सोर्स खत्म हो यहाँ पे, या आल्ट खत्म हो यहाँ पे, या लास्ट में लिख दें। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल डबल कोट के अंदर में जब हम लिखेंगे अपना CSS तो सेम इसी स्टाइल में लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा अगेन इसको फ्लोट लेफ्ट, कि अभी फ्लोट लेफ्ट हो जाओ, साथ में इसके साथ साथ हमें किसको करना होगा इस हेडिंग को, जिससे वो भी इसके बगल में आ जाए। तो यहाँ भी गए स्टाइल फ्लोट लेफ्ट हमने अप्लाई किया, कंट्रोल F से हमने सेव किया। हम आके देखते हैं विंडो में, ये देखिए लेफ्ट यहाँ पे आके इसके बगल में आ गया, बट प्रॉब्लम इज दैट ये भी चिपका हुआ है एकदम यहाँ पे, इसको हमें डिस्टेंस देना। तो हम क्या करेंगे, वही मार्जिन, तो हम यहीं पे मैंने हमें मार्जिन किसको देनी है, इसको मीन्स इस हेडिंग को, तो हम यहीं पे आते हैं, यहाँ पे हमने सेमी कोलन से ब्रेक किया, हम यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन वो भी लेफ्ट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आप तो चारों वैल्यू एक साथ दे दीजिए या अलग अलग दे सकते हैं, हमने कहा मार्जिन लेफ्ट, इसको हम करते हैं 150 पिक्सल सीधे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस लोगो से 150 पिक्सल इसको दूर करना, हमने इसको रिफ्रेश किया, आप ये देखिए यहाँ से 150 पिक्सल रिफ्रेश हो गया, ठीक है। या इसका एक तरीका और भी है, हम ये कर सकते थे कि हमने इसको फ्लोट लेफ्ट किया था राइट, इस लोगो को, और हम इसको क्या फ्लोट लेफ्ट किया, हम देते हैं फ्लोट राइट RIGHT,
RIGHT कंट्रोल ऐसे सेव किया हम। मैं जो ही देखिए इसको रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिक जो ये बीच में है जितना हमने 150 पिक्सल दिया था वो ऑटोमेटिक जाके एडजस्ट कहाँ हो जाएगा, राइट में कंट्रोल आर। ये आप देखो सबसे ज़्यादा जो राइट का बॉर्डर होगा। अच्छा बेस्ट पार्ट इज दैट कि विंडो को आप चाहे जितना बड़ा करिए ऑटोमेटिक उसी हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि फ्लोट प्रॉपर्टी कैसा होता है और कहीं भी हम किसी डिव के अगल बगल कैसे स्पेस पैदा करते हैं, एडजस्ट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट जरूर दीजिएगा और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक के चैनल को आप लाइक करें, इसको शेयर करें, हमारे यूट्यूब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ में उसको आप शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें उसको लाइक करने के लिए हमारे पेज को भी। क्यों? क्योंकि देखिए यदि व्यूवर्स नहीं आएंगे तो मैं आगे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि जब तक हमारे वीडियो को देखने वाले नहीं तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मेरी इच्छा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इंग्लिश कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर हो, वो आईटी के फील्ड में यदि जाना चाहे, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहे या कोई भी अदर कोर्सेज करना चाहे तो सीख ले, क्योंकि मैं हिंदी में इसलिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप प्रमोट करें जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देखें और शेयर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।